इंदौर लगातार 5 बार स्वच्छता में नंबर 1 रहा है और शहर के नागरिक हर अभियान को पूरी तन्मयता से पूरी करने के लिए तन मन और धन से लगे रहते हैं। इंदौर के टीकाकरण अभियान में भी रिकॉर्ड समय में लक्ष्य की प्राप्ति की है। इसी कड़ी में इंदौर प्रशासन ने एक और अभियान की शुरुआत की है जिसका नाम रखा गया है मैं हूँ झोला छाप। इंदौरी अभियान का शुभारंभ सांसद विधायक कलेक्टर निगम कमिश्नर ने किया। इंदौर सांसद शंकर लालवानी सहित सभी अधिकारियों ने सिलाई मशीन से कपड़े के झोले की सिलाई की। इंदौर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए मैं हूं झोलाधारी इंदौरी अभियान की शुरुआत की गई है। मैं हूं झोलाधारी इंदौरी अभियान के तहत शहर में अब कपड़े से बनाए गए झोले को प्रचलन में लाया जाएगा, जिसके लिए इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने भी खुद अपना झोला सीकर इस अभियान की शुरुआत की। समाज सेवी संगठन झोले को बना रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो भी महिलाएं सिलाई करेंगी समाज सेवी संगठन के द्वारा उन्हें भुगतान जाएगा और जन प्रतिनिधियों अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि लोग इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, कपड़े डोनेट करें और साथ ही झोले को सिलकर आम जनता के बीच बांटें। पलासिया चौराहे पर 40 मशीन से झोले की सिलाई की जा रही है। ये झोला देखिए, इंदौर ने हमेशा नवाचार किया है, ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है। जब भी दिल्ली में रहते संसद में बात उठती है या संसद कमेटी में बात उठती है तो हमेशा इंदौर का जिक्र निकलता ही है। और मुझे इस बात की खुशी है कि नगर निगम ने आज मैं हूँ झोलाधारी अभियान शुरू किया है। इसमें दो प्रकार से रहेंगे, एक तो आप आके यहाँ पर सिल भी सकते हैं और झोला भी सिल सकते हैं, काट भी सकते हैं, और दूसरा जनता से आह्वान किया है कि आप आइए, आपके घर में कोई ऐसा वेस्ट कपड़ा हो वो दीजिए, यहाँ से गाड़ियाँ जाएगी। और अभियान शुरू भी हुआ है, मुझे इस बात की खुशी है कि अभी कुछ बहनें घर से झोला बना के लाई थी, कुछ घरों से कपड़ा हमें मिला है जो कि यहाँ पर सीएंगे। शहर के सभी जनप्रतिनिधि, पार्षद, हमारे विधायक, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी, मीडिया के साथी, जन और एनजीओ सब मिलकर इस अभियान को कर रहे हैं। और मैंने तो ये भी कहा है कि जो झोले बनेंगे मैं सांसद के रूप में वो झोले बेचूंगा भी चौराहे चौराहे पर, ताकि लोगों को ये संदेश जाए कि हमें प्लास्टिक मुक्त शहर करना है और झोला खरीद के भी रहना है। नगर निगम को बधाई दूंगा इस अभियान के लिए, जिसमें कि उनके द्वारा प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत ही ये झोले वाला कार्य किया गया है। और शहर में जो 50 माइक्रोन से पतली जो पॉलीथीन चलती हैं ये बहुत मात्रा में रहती हैं, इसको काफ़ी हद तक डीलर्स पे, ट्रांसपोर्टर्स पे कार्रवाई करके कम किया गया है। जो अलग अलग प्रदेशों से आती हैं, कई इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ बंद कराई गई हैं। पहले 50 माइक्रोन से पतली जो पॉलीथीन रहती हैं वो जनता को समझना ज़रूरी है, वो 3 बार की प्रोसेसिंग के बाद की पॉलीथीन रहती है। अगर उस पतली पॉलीथीन में कोई गर्म दूध ले जाता है, गर्म चाय ले जाता है या उसमें सब्जियाँ या अनाज ले जाते हैं, उसकी जो पतली सी फिल्म रहती है उसमें कई तरह केमिकल्स रहते हैं जो शरीर को बहुत विपरीत रूप से प्रभावित करते हैं। आज का जो अभियान है वो बेसिकली इंदौर नगर निगम ने अपना जो आने वाले समय में प्लास्टिक को हम लोग कैसे अपने सिस्टम से हटाएंगे उसके लिए तैयार किया है। और इसमें शहर भर के 4 ऐसे स्थानों पर ऐसे सिलाई के हम लोगों ने केंद्र बनाए हैं जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के, चाहे वो व्यापारी एसोसिएशन हो, विभिन्न रहवासी संघ हो, मीडिया के बंधु हो, विभिन्न जनप्रतिनिधि, सभी सम्मानित हैं। इसके अतिरिक्त सभी एसएचजी की महिलाओं ने ये अपनी रणनीति तैयार की है कि हम लोग प्लास्टिक को छोड़ेंगे, इसके तो छोड़ने के पीछे फिर ऑप्शन भी होना चाहिए। तो इसीलिए मैं हूँ झोलाधारी अभियान चलाया गया है। आज अपने अपने झोले सिलकर भी ये संदेश दिया गया है कि हमारे कितने छोटे से प्रयास से हम पर्यावरण के लिए कितना बड़ा काम कर सकते हैं। और ये सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि हमारे पूरे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, हम लोग देखते हैं कि पन्नियाँ जब होती हैं वो जाकर हमारी सीवर लाइन को चोक करती हैं, हमारे जितने भी पशु होते हैं उनको हानि पहुँचाती हैं, पर्यावरण को दूषित करती हैं। जो चीज़ इतनी ख़राब है उसको हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं बाहर कर पा रहे हैं क्योंकि सहूलियत रहती है, जब भी कोई व्यक्ति कोई सामान लेने जाता है तो कैरी बैग रहता है। तो इसीलिए इस ऑप्शन को प्रमोट करने के लिए कि झोला लेने में किसी को कोई भी संकोच ना हो, झोला लेना गर्व की बात है और सबसे शानदार और सबसे अवेयर वो लोग हैं, सबसे ज़्यादा जागरूक वो लोग हैं जो झोला लेके चलते हैं। तो इसीलिए मैं हूँ झोलाधारी अभियान शुरू किया गया है।